नमस्कार, आप देख रहे हैं CDTV24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति जिला गुना द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सभी कंट्रोल सिस्टम पुरानी कलेक्ट्रेट के पास एक इकट्ठे हुए। इसके बाद लाइन बनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। ये उचित मूल्य दुकानदारी थे तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हजारों लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे थे और उनको खाद्यान्न वितरण कर रहे थे। इस काम में हमारे सैकड़ों साथी की बलि चढ़ गई, जो काल के गाल में समा गए। लेकिन विडंबना दुर्भाग्य इस बात का देखो आप कि इन जो कमरों में पड़े हुए थे, एसी और कूलर में पड़े हुए थे, उन्हें तो कोरोना योद्धा घोषित कर दिया गया। लेकिन हमने अपने प्राणों की आहुति दी, हमारे साथियों ने, हमने काम किया, लेकिन हमें कोरोना योद्धा घोषित करना तो दूर, इस शासन ने दो शब्द संतावना के भी हमारे लिए नहीं कहे। हमें हिंदुस्तान में सबसे कम 70 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। हमारी मांग है और दबाव बना कर लिए जा रहे हैं, ये काम हमारे नहीं है। हमारी मांग ये भी है कि हमसे अनुचित काम ना कराया जाए और यदि हमसे काम कराते भी हैं तो हमें उसका भुगतान किया जाए। मोबाइल आ रहा है गुरु, मोबाइल आ रहा है। प्रदर्शन शासकीय उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के बैनर तले मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज के दिन धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं और आज के समय में जिस तरीके से उचित मूल्य दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसी का न्याय चाहते हैं। उसी संदर्भ में आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और ये हमारा धरना अभी प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ है। 2:30 बजे तक हम ये धरना प्रदर्शन नारेबाजी करेंगे और उसके तदुपरांत हम 2:30 बजे यहाँ से एक जुलूस के रूप में लाइन लगाकर यहाँ से जिलाधीश कार्यालय के लिए कूच करेंगे और माननीय जिलाधीश कार्यालय पर पहुँच कर माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। पहले भी पूर्व में कई बार आवेदन दिए गए हैं आपके द्वारा, उस पर कोई सुनवाई हुई क्या अभी तक? पूर्व में भी हमने कई आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, धरने दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। और सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि आप ये देखिए, आज समूचे हिंदुस्तान में उचित मूल्य दुकानदारों को 140 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के दुकानदार इतने दुर्भाग्यशाली हैं, या ये कह लीजिए कि ये शासन ध्यान नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम 70 रुपए प्रति क्विंटल हमें कमीशन दिया जाता है, जबकि अन्य प्रदेशों में 140 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक दिया जा रहा है और कई प्रदेशों में तो उचित मूल्य दुकानदारों का मानदेय 16,000 से लेकर 25,000 रुपए तक फिक्स किया हुआ है। आगे क्या रहेगा सर, मांगे पूरी नहीं होंगी? आगे हमारे कहना यह है, आज के ज्ञापन में हम 7 दिन का समय प्रशासन को और जिला केंद्र मध्य प्रदेश शासन को दे रहे हैं कि 7 दिन के अंदर यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम निश्चित रूप से 7 दिन बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आपका नाम? शुभ नाम? मेरा नाम रशीद खान, प्रदेश महामंत्री उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति मध्य प्रदेश। और ये मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष भाई संजय दुबे चीटू भाई और ये हमारे शहर अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र चौबे जी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ आज सभी ब्लाकों से बीनागंज चांचौड़ा से भाई अरुण शर्मा जी और बमोरी से भाई राकेश मीणा जी और आरोन से भाई हमारे आरोन के साथी भी हैं, साथ ही गुना ग्रामीण से भाई जय सिंह, राम भरोसा नामदेव, सभी ब्लाकों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं और आज हम करीब जो है 500 की संख्या में जो जिले में जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानदार यहाँ उपस्थित हैं और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारी एकता नजर आ रही है और हम इस ज्ञापन के माध्यम से देश सरकार से यही मांग करते हैं। हमारी मांगें कोई गलत नहीं है, जो कार्य शासकीय कर्मचारियों से कराए जाने थे, माननीय खाद्य विभाग से कराए जाने थे, नगर पालिका से कराए जाने थे, जो कार्य जिला पंचायत स्तर पर सचिव से कराए जाने थे, वो दबाव देकर दुकानदारों से कराया जा रहा है। जैसे आईडी फिक्स करने का काम है, गणना का काम है, केवाईसी करने का काम है, नाम बढ़ाने घटाने का काम है, वृद्ध व्यक्तियों की गणना का काम है, ये सारे काम शासन के हैं, लेकिन दुकानदारों पर दबाव बनाकर अनुचित तरीके से फ्री में कराया जा रहा है। हमारी ये भी मांग है कि यदि हमसे ये काम ना कराया जाए और काम कराया भी जाता है तो हमें उसका भुगतान किया जाए।